अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्विज़ नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल क्विज़ नाज़नीन को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह के जो से वीडियोज़ हैं उनके टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है ड्रम स्टिक, लेकिन हम ड्रम स्टिक तैयार कर रहे हैं बेसन के साथ। बेसन वाली ड्रम स्टिक हम आज बनाने जा रहे हैं। इसकी रेसिपी क्या है, ये किस तरह बनेगी, इसकी तरकीब जानते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 चम्मच ना मैंने दही के डाल दिए, 1 चम्मच मैंने डाल दी मिर्च का, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच भर के सूखे धनिए का पीसा हुआ, 1 चम्मच नमक का भर के, अच्छा जी, थोड़ी सी काली मिर्च, अच्छा जी, आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, ये सब चीज़ें डाल दी ना। अब थोड़ा सा ना सिरका भी डालना है इसमें, यानी कि 3-4 चम्मच। अब अपने सब इस चीज़ों को ना मैं मिक्स कर लूँगी, यानी कि हम लोगों ने इसको मैरिनेट करके रखना है। यहाँ पे हम इसकी तैयार कर रहे हैं मैगिनेशन। तो तमाम तर स्पाइसेस जो इसके अंदर हम लोगों ने डाले हैं आप उनकी मकदार भी बता दी है और इसको मैगिनेट करके हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और उसके बाद जब इसकी मैगिनेशन अच्छी हो जाएगी, इस डिपेंड ऑन यू कि आपने इसको कितनी देर मैगिनेट करना है। ये आपकी अप टू यू है कि आपने इसको मतलब डे टाइम में बनाना है, इवनिंग में बनाना है या जब भी बनाना है, जितना आपके पास टाइम हो तो आप इसको उतनी देर मैगिनेट करके रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी मैगिनेशन हुई होगी, जितनी देर मैगिनेट हुए होंगे ये ड्रम स्टिक, उतने ही मज़ेदार से ये जो ड्रम स्टिक है वो तैयार होंगे। इसकी कोटिंग करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैगिनेशन हम लोगों ने कर ली है। कोटिंग करनी हम लोगों ने बेसन की, वो जब हम लोग इसको मैगिनेट करने के अभी थोड़ा सा पकाएंगे ना इसे रख के, मतलब देशकी में डालूंगी ना, थोड़ा सा पकाऊंगी, ये पानी सा खुश्क हो जाएगा ना, फिर उसके बाद बेसन लगा के। ओके ठीक है, मतलब हमने इसको कुक भी करना है, कुक करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है बेसन की कोटिंग करके। ओके ठीक है, तो फिर ये आप लोगों को मिल गया है आइडिया। तो इसको रखते हैं हम अब मैगिनेट करके रेफ्रिजरेटर में और आपको दिखाते हैं दोबारा। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है कि ड्रम स्टिक की जो सी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो कैसे तैयार हुई, क्योंकि इसको हमने कुक भी करना है और फ्राई भी करना है। तो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। ये अपना गोश्त है, थोड़ा सा पकाना है इसे, ये पानी खुश्क हो जाए, फिर बेसन लगा के ना फिर पकाया आपको काम दिखाते हैं। चलो मेरा आज हम कब आ रहे हैं? चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस आपको पसंद है? पसंद है। तो आप अभी अपने सब देखने वालों को क्या कहोगे थे मम्मा की वीडियो को? लाइक करो और शाबाश, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो। अच्छा, और आप थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करो ना, आप मुझे बताओ आपकी तैयारी होगी रब्बी रव्वल की? हैं, आपकी रब्बी रव्वल की तैयारी होगी? हो गई है। ओए, कहाँ तैयारी की आपने? अच्छा और बताओ, और आज आजकल आप पढ़ने जा रहे हो? नहीं। क्यों? छुट्टी क्यों, आप तो स्कूल खुल गए हैं। अब छुट्टी हो गई। फिर छुट्टी हो गई है तो आप ये खाओगे लेग पीस? नो। क्यों? मेरी मर्जी। पर आपको तो पसंद है। क्यों, आपकी मर्जी। तो आप लोगों ने बातें भी सुन ली और अब यहाँ पे जो चिकन है इसको हम लोग कवर करके पकाते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चे से ना, इसकी मैरिनेशन हम लोगों ने की हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार जो सा बेसन वाला चिकन आज हम तैयार करें, ड्रम स्टिक हम लोग शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। तो इसको हम लोग थोड़ी देर पकाते हैं और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है और कब इसको हम लोगों ने फाइनल करना है, किस तरह की तैयार होगी मज़ेदार सी रेसिपी ड्रम स्टिक की। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखा देना, मज़ेदार से जो सी चिकन ड्रम स्टिक बेसन वाले वो कैसे तैयार होंगे। हाँ जी, ये पानी खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा रह गया,
ये तो गोश्त भी गल गया। अब ना हम बेसन लगा के ना ऊपर तो फिर इसे ना तलते हैं, पानी बहुत खुश्क हो जाता है। ये ना मैंने इस तरीके से ना आपको बनाना सिखा रही हूँ लेग पीस, ये बहुत अच्छे बनते हैं बेसन वाले। बेसन के लिए थोड़ा सा धनिया काट के डाला है, ये आधा चम्मच मिर्च का, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कम ज़्यादा, थोड़ा सा ज़ीरा, ये इतना सा नमक डाला मैंने बस। आप ना इसे ना मैं घोल लेती हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये देखें आप इनके पीसों पे ना ऊपर लगा के ना फिर तलेंगे बेसन की। जैसे कि मम्मा ने आपको कोटिंग करनी है हम लोगों ने, तो बेसन भी जो आपको बता दी कौन सा हम लोगों ने मिक्स करना है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए बाय हैंड, मतलब ये है कि अच्छी तरह से जो सा वो मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी जो सा इसको मिक्स कर सकते हैं। हाँ जी, ये ऐसे ना मतलब लगा के ना ऐसे, तो ज़्यादा नहीं लगाना से भी। आप ना माशाल्लाह बहुत मजे के बनेंगे, अच्छे नहीं आ जाए उधर डालते। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मम्मा ने कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग कर ली है, और कोटिंग करने के बाद इसको जो सा है वो हम लोगों ने करना है फ्राई। हाफ कुक हम लोग जो सा है वो ड्रम स्टिक्स को कर चुकी हैं, बहुत ही डिफरेंट वे से मतलब बना रहे हैं। अगर मतलब आप लोग को दिल करे कि आपने ड्रम स्टिक खानी है और वही यूजुअल एक ही मेथड एक ही तरीके से आप लोग उसको बस कोट करें बेसन का और खा लें, तो दैट्स नॉट मतलब यूनिक स्टाइल। मतलब ये तो एक आम सा स्टाइल हो गया कि मतलब हर कोई बस ही ठीक है, चिकन लगाया नमक मिर्च लगाया। तो कुकिंग शो का यही फ़ायदा है, कुकिंग विद नाज़नी के साथ जुड़ने का यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पर नित नई रेसिपीज़ खाने को देख सकते हैं, आपको तरीका आ जाएगा बनाने का कि आप लोगों ने उन्हीं मसालों को उन्हीं चीज़ों को किस तरह डिफरेंट वे से यूज़ करना है कि आपका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाए, और आप वही चीज़ मतलब अगर आपने बेसन वाली खानी है या और बहुत तरह की जो से हम लोग आपके साथ जो सी रेसिपीज़ शेयर कर चुके हैं ड्रम स्टिक के चिकन के हवाले से आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप लोग इनको ज़रूर बनाए हमें अपनी फीडबैक दें। तो मम्मा अभी तो इसको थोड़ा मतलब टाइम लगेगा ना। हाँ जी बेटा, ठीक है, तो अभी इसको करते हैं फ्राई और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। माशाल्लाह खुशबू जो से आना शुरू, क्योंकि जो चिकन है ऑलरेडी हम लोगों ने उसको हाफ कुक किया हुआ है, तो उसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हाँ, अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने, क्योंकि हाफ हम लोगों ने उसको डन कर लिया है। ठीक है, तो इवन आप लोगों ने फ्रिज में भी रख लेना, तो जल्दी जल्दी से मतलब बना। हाँ, लाइक मतलब अगर मतलब आपने कोई गेस्ट वगैरह अपने घर इनवाइट किए हैं तो आप मतलब इतना तैयार होने के बाद तो नहीं करेंगे, तो आप मतलब तैयार होने के बाद फिर जाए किचन में तैयार करें या फिर सब कुछ काम करें, तो आपके पास बेस्ट वे है कि आप उसको मतलब प्रिजर्व कर लें या हाफ कुक करके रख लें। हाँ जी, जो हम लोग कच्चे को तलते हैं ना उसे ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे नहीं ज़रा ज़्यादा टाइम लगता। हाँ, तो फिर वो तो आप माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं, मतलब जब ये पका है ना पहले से। ठीक है, मैंने ना उतार दिए हैं, माशाल्लाह प्यारा कलर आना शुरू हो गया, हल्का सा ना ब्राउन कलर है, थोड़ा सा और ना करते हैं मतलब अच्छा कलर हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर और थोड़ा सा दे देते हैं। हाँ जी, ये मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखा उधर यह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बाकी भी जो से रिमेनिंग है उनको ऐसे हम लोग कर लेते हैं फ्राई। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया है। ये दूसरा पोर, तो व्यूअर्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, और स्पेशली आज मतलब ये जो धनिया डाल के अंदर इसका बहुत ही एक डिफरेंट सा लुक, जैसे मतलब नान होते हैं और एक धनिया वाले नान होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसी तरह ये भी ड्रम स्टिक जो सी होगी इसी तरह वो मतलब धनिया वाली है और डिफरेंट बनी हुई है, तो इसको करते हैं डिश और फिर आपको दिखाते हैं। आप बना के ना रखें, माशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे बच्चे घर वाले। हाँ, चिकन तो होता ही है, तो फिर मतलब आप इस तरह इसको डिफरेंट वे से बनाएं तो सबको आपकी जो क्योंकि रोज़ाना सालन खा के ना अगर आप तबीयत हो जाती है चिकन वाला तो चिकन। हाँ, वही ना मतलब जैसे हम लोग
हमें मतलब मुझे भी नहीं पसंद, मम्मा को भी नहीं, कोई सब्जी कोई दाल इतना नहीं, तो चिकन का ही होता है। तो एक तरह से तो चिकन भी नहीं खाया जाता, तो थोड़ा सा डिफरेंट वे से बनाया जाता है, डिफरेंट स्टाइल से, ताकि फिर जो है वो फिर खाने में अच्छा लगे आपको। तो चिकन लवर्स के लिए है, मतलब आप बना सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है ड्रमस्टिक की, बिल्कुल हो गई है फाइनल, और ये है उसका फाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार से जो से ये क्रिस्पी क्रिस्पी से ड्रमस्टिक हैं तैयार हो गए हैं, और जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी, बहुत ज़बरदस्त है ये जो से ड्रमस्टिक बने हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, हर एंगल से बिल्कुल जौन सा है वो चिकन गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और बहुत ही लजीज ये जौन से ड्रमस्टिक बेसन वाले हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तैयार हो गए हैं। तो व्यूवर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी सामने देख के मुझे तो हो नहीं रहा कंट्रोल, और मैं तो जल्दी से इसको लेती हूँ खा, और आप लोगों के भी मुँह में यकीनन इसको देख कर आ रहा होगा पानी। तो जल्दी से जाएँ और इस रेसिपी को करें ट्राई, और बनाकर हमें अपनी दें फीडबैक। तो लेते हैं व्यूवर्स आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर होंगे दोबारा हाजिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।